मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। राज्यपाल लालजी टंडन को क्रिटिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ में भर्ती हैं अस्पताल में, एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया। इस मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उनकी हालत नाजुक बताई गई है, जिन्हें क्रिटिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का हालचाल जाना था। अभी वर्तमान में प्रभारी राज्यपाल के तौर पर आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश का प्रभार संभाले हुए हैं। इस बीच राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक बताई जा रही है। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, क्या बताया जा रहा है राज्यपाल के बारे में अभी? देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। कुछ दिनों पहले कुछ अच्छी खबरें आई थी कि काफी हद तक रिकवर किया है राज्यपाल लालजी टंडन ने, जो उनका स्वास्थ्य खराब था। लेकिन कल शाम को फिर एक बार ये खबर आई कि स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है और फिर से उनको क्रिटिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। मेडिकल बुलेटिन भी कल शाम को 5 बजे जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि हालत नाजुक है। हालांकि फिर भी डॉक्टर्स लगातार इस कोशिश में है कि कैसे भी करके लालजी टंडन के स्वास्थ्य को रिकवर किया जाए और वापस उनको तंदुरुस्त और ठीक किया जाए। इस कोशिश में लगातार डॉक्टर्स हैं और उसके अलावा भी जो दूसरे बड़े दिल्ली के और पहाड़ी जो डॉक्टर्स हैं, उनसे एक्सपर्ट सलाह ली जा रही है किस तरीके से इलाज आगे किया जाए। फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है लालजी टंडन की, और सभी ये दुआएं कर रहे हैं कि लालजी टंडन जल्द से जल्द ठीक होकर मध्य प्रदेश में वापसी करें। हालांकि उनकी गैर मौजूदगी में राज्यपाल प्रभारी कार्यवाहक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चार्ज लिया हुआ है, लेकिन फिर भी सभी की निगाहें लालजी टंडन के स्वास्थ्य को लेकर हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह से ये दुआएं मांगी जा रही है कि कैसे भी लालजी टंडन स्वस्थ होकर वापसी करें। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए।